Good morning, student. Today we will read about prefix and suffix. Chapter 4. आज हम लोग उपसर्ग तथा प्रत्यय यानी prefix and suffix के बारे पढ़ेंगे. उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मूल शब्द के आगे और पीछे लगकर शब्दों के विशेष अर्थ को बदलते हैं. जैसे यहाँ पर चौराहा, चौराहा आप देख रहे हैं दुर्बल उपहार. चौराहा चौ प्लस राहा, राह है मूल शब्द, दुर्बल दुर प्लस बल, बल है इसमें मूल शब्द, उप प्लस हार. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं. कहने का अभिप्राय ये है कि मूल शब्द के पहले जो शब्द या शब्दांश लगते हैं उनको हम लोग उपसर्ग कहते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, वो मूल शब्द है वन, उसके पहले उप लगा है, उप प्लस वन, उप वन नया शब्द बना है, एक विशेष अर्थ. मार्ग है मूल शब्द, मान है मूल शब्द, कार कास कुल, मूल शब्दों के ही पहले जो लगते हैं वे है कहलाते हैं उपसर्ग. उपसर्ग के भेद हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग है, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय. यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट में आप देख सकते हैं ये है सब उपसर्ग है और उसका अर्थ है और शब्दों में लग के एक नया शब्द बनते हैं. जैसे अ, अ का मतलब होता है अभाव या निषेध. धर्म में अ लगता है तो अधर्म हो जाता है, यानी धर्म का अभाव जिसमें धर्म ना हो. न्याय में अ लग जाता है तो अन्याय, यानी न्याय जिसमें नहीं हो. इसी तरह से ये उपसर्ग शब्दों के पहले लगकर उनका विशेष अर्थ बदलाते हैं. ये संस्कृत के उपसर्ग हैं. यहाँ लिस्ट में दिया हुआ है, इनको आप पढ़ेंगे, ये हिंदी के उपसर्ग हैं. अध, अध का मतलब आधा. मरा में अध लग गया तो अध मरा. पका में अध तो अध पका. कचरा में अध तो अध कचरा, इस तरह से. फिर उर्दू के उपसर्ग हैं. बे, बे का मतलब बिना होता है, बेरहम यानी बिना रहम का, बेदाग बिना दाग का, बेनाम बिना नाम का. इस तरह से आप इनको पढ़ के याद करेंगे. फिर आता हूँ प्रत्यय में. प्रत्यय भी उसी तरह से, यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चा खिलौने से खेल रहा है. खिलौने, जो खिलौने शब्द खेल में औना लगा है तो खिलौना बन गया. उसी तरह मजदूर मजदूरी कर रहा है, मजदूरी. मजदूरी जो शब्द बना है वो मजदूर प्लस ई, मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लग गया है. उसी तरह फूल में वाला प्रत्यय लग गया है. प्रत्यय इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं. यानी याद रखिए, उपसर्ग शब्द के मूल शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में. प्रत्यय के दो भेद माने जाते हैं, कृत प्रत्यय. कृत प्रत्यय क्रिया में लग के अंत में लगता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के अंत में लगता है. लड़ना में ई लग गया तो लड़ाई, पढ़ना में आकू लग गया तो पढ़ाकू हो गया. इस तरह से यहाँ आप देखिए, यहाँ पर कृति प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं. यानी क्रिया के अंत में जब ये प्रत्यय लगते हैं तो फिर वो या तो संज्ञा बन जाते हैं या विशेषण बन जाते हैं. जैसे लिख चढ़ क्रिया है, उसके अंत में लिख में आई लग गया तो लिखाई हो गया, चढ़ में आई लग गया तो चढ़ाई, और इस तरह से ये संज्ञा बन गए. तो इसको आप देख लेंगे, इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे. उसी तरह से ये लिस्ट है, इसको पढ़ के याद करना है. तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं. जैसे मामा चाचा ये सब संज्ञा है. मामा में एरा लग गया तो ममेरा हो गया, चाचा में एरा लग गया चचेरा. इस तरह से आप लोग इसको पूरे को, यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट को देखना है, पढ़ना है, याद करना है. इस तरह से हमने क्या देखा इस पाठ में कि शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं. यानी पुनः मैं कह रहा हूँ कि शब्द के मूल शब्द के शुरू में जो लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है. उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं. उपसर्ग जो होते हैं
उनसे कोई उनका प्रयोग नहीं होता है। जब वे मूल शब्द में लगेंगे तभी उनका अर्थ होगा, तभी उनका प्रयोग होगा। और शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। अंत में जो लगते हैं उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, जब ये शब्द के शुरू या अंत में लगते हैं तभी। तो इस तरह से पाठ को आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ के इन लिस्टों को आप लोग याद करेंगे तो समझ में आएगा। जो भी लिस्ट दिए हुए हैं इस लिस्ट को आप लोग अच्छी तरह से याद करेंगे। और आइए पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों से उचित उपसर्ग लगाकर एक नए शब्द बनाएं। इसमें उपसर्ग लगाकर आपको एक नया शब्द बनाना है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 को उपसर्ग तथा मूल शब्द को अलग अलग करके लिखना है। सुनिश्चित प्रशिक्षण मूल शब्द इसमें और उपसर्ग पीछे के पीछे, आप बुक को पलटेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और प्रत्यय और मूल शब्द इसमें अलग करना है, पीछे से आप लोग इसको ढूंढ के यहाँ पर लिखेंगे। और इसमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करना है। ये सारे शब्द पीछे बुक में दिए हुए हैं, आप लोग इसको बना के कॉपी में बना के जो 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 यहाँ बुक में दिया हुआ है स्पेस छोड़ा हुआ है उसको बुक में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आप कॉपी में लिखेंगे नोटबुक में। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।